बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारी कुछ डेफिनेशंस बाकी रह गई थी, उनको हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि हमारे पास जो कंडीशनल होती है पी इम्प्लाइज क्यू, इसके साथ रिलेटेड कुछ कंडीशनल्स हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल, एक कंडीशनल के साथ जो रिलेटेड कंडीशनल्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो याद रखें, अगर हमारे पास p इम्प्लाइज q है तो q इम्प्लाइज p जो होगा, यानी p इम्प्लाइज q को अगर हम बिल्कुल उलट दें, q इम्प्लाइज p कर दें, तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ p इम्प्लाइज q, इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। और दूसरी कंडीशनल है कि हम इसको उल्टे तो नहीं लेकिन इनको निगेट कर दें। पी इम्प्लाइज क्यू है तो यहां पे हम कर देते हैं निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो बच्चों, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। और तीसरी रिलेटेड इसके कंडीशनल हमारे पास है, यानी अगर हम इनवर्स को उलट दें, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो इसको बोलते हैं इज कॉल्ड कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव। किसका कंट्रा पॉजिटिव? इस पी इम्प्लाइज क्यू का, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ये तो हो गई रिलेटेड कंडीशनल्स। अब यहां पे आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि ये जो हमारे पास कंडीशनल होगी और इसका कंट्रा पॉजिटिव, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। एनी कंडीशनल एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। पहली बात ये याद रखें आप लोग, और दूसरी बात ये याद रखें कि यानी जो कंडीशनल होगी वो और उसका कंट्रा पॉजिटिव, ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। मतलब जो इनकी वैल्यूज आएंगी वो बिल्कुल सेम आएंगी। अगर हम इनका एक ट्रुथ टेबल बनाएं तो जो पी इम्प्लाइज क्यू के कॉलम में जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज होंगी, वही सेम वैल्यूज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी के कॉलम में होंगी। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। और इसी तरह कन्वर्स और इनवर्स, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट हैं। ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी आपने याद रखना कि जो हमारे पास कंडीशनल होगी, जो इम्प्लीकेशन होगी, वो हमारे जो अपने कंट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होती है, और जो कन्वर्स होगा उसका वो इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा। यानी इन दोनों के जो अगर हम बनाए कॉलम बनाएंगे ट्रुथ टेबल के अंदर, तो वो बिल्कुल सेम बनेंगे। द कन्वर्स, यहां पे हम लिख देते हैं द कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट। ये भी इक्विवेलेंट होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ दो तीन डेफिनेशंस और हैं। पहली डेफिनेशन है बच्चों हमारे पास टाउटोलॉजी की। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसके कॉलम में सिर्फ वैल्यूज सारी की सारी ट्रू, ऑल डेट कंटेन्स, हम इसको बड़े सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कंटेन्स ऑल ट्रू वैल्यूज।
सारी ट्रू वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, तो इसे हम बोलेंगे टॉटोलॉजी। यानी इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेटमेंट आप लिख लें, सुन के लिख लें, स्टेटमेंट विच कंटेन्स ओनली टी इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रुथ टेबल। और या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड अ टॉटोलॉजी। ये आपने याद रखना है। इसके अंदर बस आप एक चीज़ समझ लें कि जो सारी वैल्यूज होंगी वो ऑल ट्रू वैल्यूज होंगी, ट्रू वैल्यूज सारी आएंगी इसके अंदर। और दूसरा है जो इसके बिल्कुल उलट है वो है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन वो जो सारी फॉल्स वैल्यूज आएगी, जो कंट्राडिक्शन होगा वो क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स ऑल फॉल्स वैल्यूज। उसका जो लास्ट कॉलम होगा उसमें सारे आपको एफ नजर आ रहे होंगे, इसमें सारे टी नजर आ रहे होंगे और इसमें सारे एफ नजर आ रहे होंगे, ये हमारे पास कंट्राडिक्शन कहलाएगा। और एक है इन दोनों का मिक्सचर, यानी कुछ ट्रू हैं, कुछ इस यानी ऐसी स्टेटमेंट जिनकी कुछ वैल्यूज ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंटिनजेंसी, कंटिनजेंसी। तो कंटिनजेंसी के अंदर क्या होगा, कंटेन कंटेन्स बोथ ट्रू, इसके अंदर ट्रू भी होंगी एंड फॉल्स, और इसके अंदर फॉल्स वैल्यूज भी होंगी। ये आप लोगों ने तीन डेफिनेशंस को याद रखना है। या स्टेटमेंट डेट कंटेन्स बोथ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज इन इट्स लॉस्ट कॉलम इज कॉल्ड कंटिनजेंसी, और इसी को आप सारी फॉल्स वैल्यूज होंगी तो कंट्राडिक्शन, और अगर उसके कॉलम में सारी ट्रू वैल्यूज होंगी तो उसे हम टॉटोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है क्वांटिफायर्स का, हम देखते हैं कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स, जो क्वांटिफायर्स उन वर्ड्स को या उन सिंबल्स को बोलते हैं जो किसी चीज़ की क्वांटिटी या उसके नंबर का आइडिया कन्वे करते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने किसी चीज़ की बतानी है क्वांटिटी के इसमें ये चीज़ कितनी है, तो उसके लिए जो सिंबल हम मैथमेटिकली यूज़ करेंगे उन्हें हम बोलेंगे क्वांटिफायर्स। और यहाँ पे हमारे पास, या मैं आपको डिफाइन भी कर देता हूँ, द वर्ड्स और सिंबल्स डैट कन्वे दी आइडिया ऑफ क्वांटिटी और नंबर इज कॉल्ड क्वांटिफायर। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी अगर हमने किसी सेट के बारे में बताना है कि इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम ये वाला जो क्वांटिफायर है वो यूज़ करते हैं फॉर ऑल। उसके लिए हम उल्टा ए लिखते हैं इस तरह से, और इसका बच्चों क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। जैसे हम कह सकते हैं, मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जितने भी हमारे पास रियल नंबर होंगे अगर आप उनका स्केयर करेंगे तो या तो जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, हमेशा एक्स स्केयर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा जितने भी रियल नंबर हैं। तो ये बात हम कह सकते हैं, और ये हमने देखे यूनिवर्सल क्वान्टिफायर यूज़ किया फॉर ऑल, और उसको यूज़ करते हुए हमने ये बात कह दी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर सबके लिए ये बात ट्रू है कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जब हमने किसी सेट में मौजूद सारे एलिमेंट के लिए कोई बात कहनी हो तो हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक दूसरा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जैसे एक क्लास में यूनिवर्सल की एग्जाम्पल यह है कि जैसे क्लास में सारे बच्चे पास है तो हम कहते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास जो हमारे पास मौजूद हैं वो पास हैं, वो मतलब नेक्स्ट क्लास में मूव हो चुके हैं।
और अगर उस क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा है जिसके 100 मार्क्स है, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट इन दिस क्लास डेट गेंड 100 मार्क्स। तो देयर एग्जिस्ट के लिए यानी एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट अगर मुझे हो सकते हैं, ज्यादा भी हो, 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो, जितने भी हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट किसी सेट में हम अगर एग्जिस्ट करता है जो हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए फिर हम सिंबल यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट। अगर सारे ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे हमारी प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए हम सिंबल यूज कर देंगे फॉर ऑल, और ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, रियल नंबर्स के अंदर के एक ऐसा एक्स मौजूद है कि अगर आप उसका स्केयर लें तो वो आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल मौजूद है, कौन है, स्केयर रूट 2 और माइनस स्केयर रूट 2 दोनों ऐसे एक्स हैं जिनका स्केयर लेने से 2 आता है, तो इसका मतलब हमारी बात ठीक है, दो एलिमेंट तो ऐसे एग्जिस्ट करें। मैंने कहा अगर एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो हम फिर देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, इसमें हमने दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एक और सिंबल हम छोटा सा यूज करते हैं, तो हम कैपिटल ई यूज कर लिया, एक और सिंबल ये वाला यूज करते हैं। एक तो सिंबल ये होता है ना कि अगर अगर एक सेट है और उसमें से एक एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग करता है, तो हम लिख कहते हैं ए बिलोंग्स टू इस सेट ए, इसका मतलब होता है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर हम इसी सिंबल को इस तरफ को यूज करें तो इसका मतलब होता है, बच्चे याद रखें, इसका मतलब होता है सच डैट, इसका मतलब होगा सच डैट, ये आप लोगों ने याद रखना है, आपको काम आएगा। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। तो एक दफा दोबारा से ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उनको देख लेते हैं हम। डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि अगर हम सिर्फ उस कंडीशनल को उलट देंगे तो हमारे पास कन्वर्स बन जाएगा, और उसको निगेट कर देंगे, यानी अगर हमारे पास पी है तो निगेशन पी कर दें, निगेशन पी है तो पी कर दें, तो और क्यू है तो निगेशन क्यू कर दें, और निगेशन क्यू है तो क्यू कर दें, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। और अगर हम इन्वर्स को उलट देंगे तो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन डेफिनेशंस को देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। देखें जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, पहला जो पार्ट है इसका जो हमें गिवन है वो गिवन है नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, ये एक कंडीशनल गिवन है हमें, तो हम यहां पे लिखते हैं गिवन कंडीशनल या इम्प्लीकेशन इज, और वह क्या गिवन है, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब इसका हमने बताना है कन्वर्स इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कन्वर्स, कन्वर्स के लिए आप इसको उलट दें सिर्फ, तो क्या आ जाएगा, क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, ये इसका कन्वर्स आ गया। इनवर्स फाइंड आउट करना है आपने अगर, तो आप क्या करें, इनको निगेट कर दें, निगेशन मौजूद है तो निगेशन खत्म कर दें, और जहां पे निगेशन मौजूद नहीं है वहां पे निगेशन लगा दें। निगेशन पी है तो यहां पे आ जाएगा पी इंप्लाइज, और क्यू है तो यहां पे आ जाएगा निगेशन क्यू। तो ये बच्चों इसका इनवर्स आ गया। उसके बाद हमारे पास है कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इनवर्स को उलट देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, ये हमारे पास इसका कंट्रा पॉजिटिव आ गया, ये इनवर्स आ गया, कन्वर्स आ गया, यही तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करने का कहा गया था, और इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बच्चों इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, करें देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, हम लिखेंगे गिवन कंडीशनल इज, वो हमारे पास है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स
इसको उलट दें, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये इसका ग्रामर्स हो गया। इनवर्स क्या होगा बच्चों इसका? इनवर्स के लिए इन दोनों का जो निगेट कर दें दोनों को, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी, और कंट्रा पॉजिटिव होगा इसका बच्चों पी इम्प्लाइज क्यू, ये होगा। ये हम देख सकते हैं, मैंने आपको जो बताया था कि हमारी जो कंडीशनल होती है, जो कंडीशनल होती है और जो उसका कंट्रा पॉजिटिव होता है, ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं, और जो इन्वर्स होता है और जो कन्वर्स होता है ये भी इक्विवेलेंट होते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं, मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल बना के, क्योंकि अभी हमने ट्रुथ टेबल यूज करने हैं, तो हम इसको देख लेते हैं कि वाकई क्या वाकई ऐसा है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हम बनाते हैं इसका एक ट्रुथ टेबल। ये पी के लिए बना लिया पी, यहां पे हमने लिख दिया क्यू, और यहां पे लिख लेते हैं निगेशन पी, यहां पे लिख लेते हैं निगेशन क्यू, और हम चारों को लिखते हैं। हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी कंडीशनल को, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, उसके बाद हमारे पास उसका कन्वर्स है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, उसके बाद हमारे पास इनवर्स है उसका क्यू इम्प्लाइज पी, और उसके बाद हमारे पास है उसका कंट्रा पॉजिटिव, और वो क्या है बच्चों? कंट्रा पॉजिटिव है पी इंप्लाइज क्यू। ये हमारा टेबल बन गया। अच्छा चलें अब इसको फिल करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास पी है, पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स थी, तो उसके लिए जो वैल्यूज आएंगे वो कितने आएंगे? 2 की पावर 2, 4। तो हमने आधों को ट्रू लिख दिया, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और फिर हमने हाफ किया, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स ये लिख दिए। अब निगेशन पी में इन पी को निगेट कर दें, जहां पर ट्रू है वहां पर फॉल्स, जहां पर फॉल्स है वहां पर ट्रू, तो ये ट्रू ट्रू है तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स फॉल्स, और ये फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू ट्रू। क्यू को निगेट करें तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ये आ जाएगा, यानी ट्रू है उसकी जगह हमने फॉल्स लिखा, फॉल्स था उसकी जगह ट्रू लिखा, निगेशन क्यू के अंदर। निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, अब ये इस तरफ से इंप्लीकेशन है। मैंने आपको बताया था कि इंप्लीकेशन के अंदर अगर ट्रू इम्प्लाई करे फॉल्स को, तो उस वक्त सिर्फ इसका जो आंसर है, अगर ट्रू इम्प्लाई करे फॉल्स को, तो उस वक्त इसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज इसका आंसर ट्रू ही आएगा, ये आपने याद रखना है। यानी ये चीज अगर आएगी ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो उस वक्त आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर हमेशा ट्रू आएगा। तो देखें फॉल्स इम्प्लाइज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी हो रहा है, ये आपने देखना है। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, हाँ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे फॉल्स है, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू है। सिर्फ ये जो चीज जहाँ पे आएगी ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, यानी एक आदमी मुसलमान है, अच्छा है, सारी जिंदगी उसने अच्छे अमल किए, तो बच्चों ये नहीं हो सकता, तो उसको फिर अल्लाह ताला जो है वो उसका बदला भी देंगे, उसको वो कामयाब होगा, तो ये नहीं होगा कि वो सारा वो तो अच्छा रहा और आखिर में जाके वो नाकाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें आपने बस याद रखना है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये कभी नहीं हो सकता। अब निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू करें, इस तरफ से देखें फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ये आपके पास ट्रू है, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू
ट्रू है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। ये देखिए नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यों कर रहे हैं, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ गया, तो इसको हमने फॉल्स लिख दिया, ये ट्रू है बच्चों। उसके बाद ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू है। क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी, इधर देखें क्यू इम्प्लाइज पी, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये भी ट्रू है। पी इम्प्लाइज क्यों करें, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू है, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ये भी ट्रू है। मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दी थी, आपको वो याद होनी चाहिए। अब तो हमने क्या, ये हमारी कंडीशनल है और ये हमारा कंट्रा पॉजिटिव, तो कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स और इनवर्स, तो बच्चों बिल्कुल देखें इनकी जो स्टेटमेंट्स देखें, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, तो देखें बिल्कुल मैच कर रही हैं, जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होंगी उनकी जो वैल्यूज हैं वो हमेशा मैच करती हैं। तो देखें ये दोनों मैच कर रही हैं बिल्कुल, यानी स्टेटमेंट कंडीशनल और उसका कंट्रा पॉजिटिव, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, और कन्वर्स और इनवर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हमने इनको इक्विवेलेंट कहा था, जो हमने इनको इक्विवेलेंट कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।